Well, let's cut across live where Prime Minister Narendra Modi along with BJP Karyakartas are addressing via video conferencing. Let's take a look. ये सेवा साधना की परंपरा हम सब के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा बनी रहेगी. मैं उनकी प्रशंसा करता हूं. हमारे सभी लाखों कार्यकर्ता जो इस संकट की घड़ी में सेवा में रत है, उनके और उनके परिवारजनों के स्वास्थ्य की भी कामना करता हूं. और जैसे हर देशवासी के स्वास्थ्य की कामना करता हूं, मैं अपने हर कार्यकर्ता साथी की भी उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं. साथियों, मैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का बहुत आभारी हूं कि बीच में मुझे इस कोरोना के समय जो सेवा कार्य कर रहे थे उन कार्यकर्ताओं से बातचीत करने का अवसर मिला था. देश के अलग अलग कोने पर कैसे पार्टी के कार्यकर्ता खप गए, गरीब से गरीब की जरूरत के लिए जिस प्रकार से वो दौड़ते रहे, एक एक घटना बहुत ही प्रेरक थी. कुछ कार्यकर्ताओं के तो पूरे परिवार सेवा भाव से जुड़ गए थे. और समाज भी देखिए, संसाधनों की कोई कमी नहीं होने दी. ये सेवा भाव, ये कर्तव्य भाव, संगठन का समाज के प्रति नित्य समर्पण, ये अपने आप में मां भारती के लिए हमने जो सपने संजोए हैं उन सपनों को बहुत बड़ा बल देते हैं. और इसलिए मेरे कार्यकर्ता भाइयों बहनों, आपने जो किया है वो मीडिया में छपे न छपे, टीवी में दिखे न दिखे, लेकिन आपने सामान्य गरीब के दिल में जगह बना ली है. बहुत बड़ा काम किया है. साथियों, आज हमारे बीच ऐसे कम ही लोग हैं जिन्होंने दीनदयाल जी को जीते जी देखा हो, सुना हो या उनके साथ काम किया हो. मुझे पंडित दीनदयाल जी के दर्शन करने का सौभाग्य नहीं मिला था, लेकिन उनका स्मरण, उनके बताए हुए रास्ते, उनका दर्शन, उनका चिंतन और उनका जीवन भी प्रतिपल हमें पावन भी करता है, प्रेरणा भी देता है, ऊर्जा से भर देता है. साथियों, एक राष्ट्र के रूप में, एक समाज के रूप में भारत को बेहतर बनाने के लिए दीनदयाल जी, उनका जो योगदान मिला है वो पीढ़ियों को प्रेरित करने वाला है. भारतीय जनता पार्टी के हम सभी कार्यकर्ताओं के लिए उनका दिखाया मार्ग हम सभी को प्रेरणा देता है, प्रोत्साहित करता है. साथियों, ये दीनदयाल जी ही थे जिन्होंने भारत की राष्ट्रनीति, अर्थनीति, समाजनीति, राजनीति, इन सभी पहलुओं पर भारत के अथाह सामर्थ्य के हिसाब से तय करने की बात बड़ी मुखरता से कही थी, लिखी थी. उस समय जब आजाद भारत के नवनिर्माण के लिए विदेशी मॉडल को अपनाने पर जोर था, तब भी दीनदयाल जी आधुनिक भारत के विकास के लिए भारत की मिट्टी पर, भारत के कोटि कोटि जनों के पुरुषार्थ पर, उनके पराक्रम कर, उनकी प्रतिभा पर
भरोसा करके उन्हीं से समाधान मिलेगा, उस समाधान को लेकर वे आवाज बुलंद करते रहे थे। समय ने सिद्ध किया है कि दीनदयाल जी का विजन कितना दूरगामी था, कितना दूरदर्शी था। साथियों, 21वीं सदी के भारत को विश्व पटल पर नई ऊंचाई देने के लिए 130 करोड़ से अधिक भारतीयों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए आज जो कुछ भी हो रहा है उसमें दीनदयाल जी जैसे महान व्यक्तित्वों का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। इस बार उनका जन्मदिवस इसलिए भी विशेष है क्योंकि बीते कुछ दिनों में ही देश ने वो अहम निर्णय किए हैं जिस पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के चिंतन की प्रकाश रेखाएं हैं, प्रकाश पुंज है। हमारे देश के किसान, हमारे श्रमिक भाई बहन, युवाओं, मध्यम वर्ग के हित में इन दिनों सरकार में रहते हुए राज्य सरकार में बैठे हमारे और कार्यकर्ताओं ने अनेक अच्छे फैसले लिए हैं, ऐतिहासिक फैसले किए हैं। जहां जहां भी राज्यों में भी हमें सेवा करने का अवसर मिला है वहां की हमारे मुख्यमंत्री और उनकी टीम, वहां की पार्टी और पार्टी की टीम इन्हीं आदर्शों को परिपूर्ण करने के लिए उतने ही जी जान से लगे हुए हैं। आज से ही देश के ईमानदार करदाताओं के हितों को सुरक्षा देने वाला फेसलेस अपील का प्रावधान भारत की टैक्स व्यवस्था से जुड़ने वाला है। ईमानदार करदाताओं को परेशानी ना हो इसके लिए फेसलेस टैक्स सिस्टम कुछ महीने पहले ही टैक्स रिजिम का हिस्सा हो चुका है। अब वहां से ऊपर अपील में जाना है। अब फेसलेस अपील का प्रावधान करदाताओं को अनावश्यक रूप से परेशान करने की प्रवृत्ति से बहुत बड़ी सुरक्षा देगा। और मैंने हमेशा कोशिश की है, सरकार की जिन्हें जरूरत नहीं है उनके जीवन में सरकार दखल न दे। सरकार जितनी कम दिखे उतनी समाज की ताकत बढ़ती है। साथियों, आज जब देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक एक देशवासी अथक परिश्रम कर रहा है, तब गरीबों को, दलितों, वंचितों, युवाओं, महिलाओं, किसानों, आदिवासी, मजदूर, उन सबको उनका हक देने का बहुत ऐतिहासिक काम करने का हम सबको सौभाग्य मिला है। और एक कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने जिस संस्कारों से हमें गढ़ा है मन को बहुत संतोष होता है। आजादी के अनेक दशकों तक किसान और श्रमिक के नाम पर खूब नारे लगे, बड़े बड़े घोषणा पत्र लिखे गए, लेकिन समय की कसौटी ने सिद्ध कर दिया है कि वो सारी बातें कितनी खोखली थी, सिर्फ नारे थे। मैं समझता हूं देश अब इन बातों को भली भांति जानता है। इसलिए ही दीनदयाल जी कहते थे कि बड़ी बड़ी घोषणाओं के बावजूद जनता की अपेक्षाएं पूरी नहीं हो रही है,
ये उस जमाने में वो कहते थे। और पंडित जी ने कहा था, अव्यवस्था और अनाचार, अभाव और असमानताएं, असुरक्षा और असामाजिकता, उस समय का उनका वर्णन था, बढ़ती जा रही है। उनकी कही ये बातें बाद के दशकों में और प्रबल होती गई। दीनदयाल जी हमें छोड़ के बहुत पहले चले गए थे, ये तब और बढ़ा जब कुछ लोगों ने राष्ट्रहित और जनहित के बजाय सत्ता और स्वहित को राजनीति का हिस्सा बना लिया। साथियों, किसान और श्रमिक के नाम प्रदेश में, राज्यों में, अनेकों बार सरकारें बनी, लेकिन उन्हें मिला क्या? सिर्फ वादों और कानूनों का एक उलझा हुआ जाल, एक ऐसा जाल जिसको ना तो किसान समझ पाता था और न ही मेरा श्रमिक भाई बहन समझ पाते थे। किसानों को ऐसे कानूनों में उलझा कर रखा गया जिसके कारण वो अपनी ही उपज को अपने मन मुताबिक बेच भी नहीं सकता था। नतीजा ये हुआ कि उपज बढ़ने के बावजूद किसान ने पसीना बहाने में कोई कमी नहीं रखी। बूंद बूंद पानी का, तिल तिल जमीन के हिस्से का उपयोग करते हुए देशवासियों का पेट भरने के लिए, सरकार के खजाने भरने के लिए हमारे किसान ने कोई कमी नहीं रखी। उपज बढ़ाने के बावजूद किसानों की आमदनी उतनी नहीं बढ़ी। हां, उन पर दिनों दिन कर्ज बढ़ता गया, कर्ज जरूर बढ़ गया। साथियों, भाजपा के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने निरंतर इस स्थिति को बदलने का प्रयास किया है, प्रामाणिक प्रयास किया है, सोच समझ करके प्रयास किया है। कोई निजी स्वार्थ के लिए नहीं, कोई राजनीतिक स्वार्थ के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ किसान के कल्याण को ध्यान में रखते हुए। पहले लागत का 1.5 गुना एमएसपी तय किया, उसमें रिकॉर्ड बढ़ोतरी की और रिकॉर्ड सरकारी खरीद भी एनडीए सरकार ने ही की है, इतिहास बना दिया है। बीते सालों में ये निरंतर प्रयास किया गया है कि किसान को बैंकों से सीधे जोड़ा जाए। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत देश के 10 करोड़ से ज्यादा किसानों के बैंक खातों में कुल 1,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा ट्रांसफर किए जा चुके हैं। सरकार ने इस बात का भी प्रयास किया है कि ज्यादा से ज्यादा किसानों के पास क्रेडिट कार्ड हो, किसान क्रेडिट कार्ड, उन्हें खेती के लिए आसानी से कर्ज उपलब्ध हो। पहले सिर्फ उसी किसान को केसीसी का लाभ मिलता था जिसके पास 2 हेक्टेयर जमीन हो। हमारी सरकार इसके दायरे में देश के हर किसान को ले आई। थोड़ी सी भी जमीन होगी, किसान है इसका हकदार है। अब किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ पशुपालकों को और मछली पालन से जुड़े लोगों को भी दिया जा रहा है। साथियों, पिछले सरकार के 5 साल में किसान क्रेडिट कार्ड द्वारा किसानों को करीब 20,00,000 करोड़ रुपए का ऋण दिया गया था। मैं यूपीए सरकार की बात करता हूं। भाजपा सरकार के 5 वर्ष में किसानों को लगभग
35 लाख करोड़ रुपए केसीसी के माध्यम से दिए गए हैं। सरकार देशव्यापी अभियान चलाकर ज्यादा से ज्यादा किसानों को केसीसी से जोड़ रही है, ताकि उन्हें किसी और के पास ऊंचा ब्याज दे करके, जमीनें गिरवी रख करके, पहले से ही अनाज बेचने का एक प्रकार से सौदा करके कर्ज लेने की मजबूरी से बाहर निकालने के लिए हमने एक अहम काम पूरी ताकत से शुरू किया है। इन सभी प्रयासों से देश के किसानों को बहुत बड़ी मदद मिली है और अब दशकों बाद किसान को अपनी उपज पर सही हक मिल पाया है। कृषि में जो सुधार किए गए हैं उसका सबसे ज्यादा लाभ छोटे और सीमांत किसानों को मिलेगा। देश में